जैसे वह दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमेशा मेरी खंत यही है कि आदिवासी आदमी समाचार में, इस मीडिया के माध्यम से बाहर क्यों नहीं आता, उसका कल्चर बाहर क्यों नहीं आता। अगर गवर्नमेंट मानता है, लोग मानते हैं कि उसका कल्चर अलग है, लेकिन इस कल्चर को दिखाने का जरिया क्या है? क्या आदिवासियों के ऐसे मीडिया है जो आदिवासियों की बातें आप तक पहुँचाएँ? कुछ बातें शेयर भी होती है, लेकिन क्या वो बातें महत्वपूर्ण होती हैं? इसलिए एक बात तो है कि जो हमारा मीडिया बनाना चाह रहे, जो नवयुवक है, जो लोग हैं, सभी को सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक है इजिप्ट की पैरामिड। आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, हमारी किताबों में भी था कि यहाँ पे बड़े बड़े राजाओं ने अपनी अपनी समाधि बांधी है। कुछ समाधि ऐसी है कि 3-3 साल और 30 साल तक उनको लगे उस पैरामिड को बनाने के लिए। पैरामिड के अंदर क्या है ये आज तक कोई वैज्ञानिक खोज नहीं पाया है। लेकिन ये बातें मैं अपने चैनल पर क्यों बता रहा हूँ, इसका एक मतलब है। दोस्तों देखिए, कोई भी इतिहास हमारे संशोधकों ने पहले दिमाग लगाया, तर्क लगाया और उसके पीछे दौड़े, संशोधन किया और कुछ मिला, इसलिए वो इतिहास आपके सामने है। हड़प्पा सभ्यता के सभ्यता की खोज भी ऐसी है। कंगाली साहब ने ये सोचा कि अगर द्रविड़ एक इसमें द्रविड़ शब्द सुना था उन्होंने, ये द्रविड़ समुदाय से आते हैं, तो द्रविड़ समुदाय कौन है? उन्होंने पढ़ा उसका तो समझा कि हम ही है द्रविड़, और फिर उन्होंने खोज किया और गोंडी शब्द को यहाँ पे लाके लिया। और आप देख सकते हैं सिंधु सभ्यता की जो चित्रलिपि है कंगाली साहब ने पढ़ ली है। दोस्तों ऐसा ही होता है। मैंने आज एक किताब पढ़ी जिसका नाम है गोंडवाना सा सांस्कृतिक इतिहास। मराठी में किताब है, शेषराव मड़ावी उसके लेखक है। उन्होंने एक पार्ट यहाँ पे दिया है, एक चैप्टर दिया है, वो भी गोंड लोगों का, समाधि शिला। अभी हिंदी में इसको समाधि शिला कहेंगे। हमारे आदिवासी कल्चर में पहले तो एक जलाने की प्रथा नहीं है, कोई मर जाने के बाद उसको हम जलाते नहीं है, उसको हम दफनाते हैं। दफनाने के तौर पर अगर हम गांव-गांव जंगल-जंगल देखें ये कल्चर क्या है, तो वो उसको अगर उसके खेत में दफना दिए तो एक छोटी सी बांधते हैं, समाधि बांधते हैं, उस पर पत्थर रखकर, बहुत बड़ा आर्किटेक्चर नहीं करते। लेकिन हमारे राजाओं ने अब समाधियों को बड़ा बड़ा भी बांधा है। इसका क्या मतलब है कि शेषराव मड़ावी साहब अपने किताब में कहते हैं कि गोंड लोग अपने कुवत के अनुसार बांधते थे। अगर उसकी छोटी समाधि नज़र आ रही है तो समझ लेना वो थोड़े से गरीब परिवार का था। और राजा की समाधि देखनी हो तो चांदाकड़ आ जाइए, वहाँ पर रानी ने अपने राजा की समाधि बहुत ही बड़ी महल जैसी बांधी है। इसका मतलब ये है कि अपनी कुवत के अनुसार गोंड आदमी यहाँ पर समाधियाँ बनाता था, वो अपने खेत में रहे, जंगल में रहे, कहीं पे भी। और आज भी ऐसा माना जाता है कि जंगल में कहीं और एक समाधि मिल जाए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं गोंड लोगों का निवास था, ऐसा माना जाता है। तो ये पुरने की पद्धति, ज़मीन में दफनाने की पद्धति और ये आर्किटेक्चर, ये थिंकिंग जो चंद्रलेखा कंगाली दाई ने यहाँ पे किताब में कहा था कि जो शंभू गौरा पिंड है वो इंडिया के बाहर भी, अफगानिस्तान यहाँ वहाँ चले गए और वहाँ पे भी प्रचार हुआ। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे प्रचार हो सकता है तो क्या थिंकिंग नहीं जा सकती? अगर थिंकिंग जा सकती है, लोगों की विचारधारा एक जैसी बन सकती है इंडिया के बाहर, तो ये भी तो संभव है कि पिरामिड जैसी समाधियाँ इसी विचारधारा के तहत बनाई गई हो। जो दफनाने की विधि है वहाँ पे भी जलाने की विधि, ये बीच में जलाने की विधि आ गई और हमारे लोग भी इसमें घूमते गए क्योंकि उनको पता नहीं था। लेकिन मैं एक लॉजिक कर रहा हूँ और ये मेरा ओपिनियन है, ये किसी भी इतिहासकार का ओपिनियन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है कि अगर इजिप्ट की पिरामिड भी इसी थ्योरी पर बनाई गई हो कि इंसानों को दफनाना ज़रूरी है और कुवत के अनुसार जो बड़ा राजा है वो बड़ी समाधि बनाएगा, छोटे बड़े पिरामिड भी वहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों एक ही मेरा कहना है कि ये जो कोयतूर कल्चर विचार प्रणाली विचारधारा है, ये यहाँ की आपकी मेरी नहीं है, तो ये सदियों से आ रही और इंडिया के बाहर भी फैली हुई विचारधारा है। इनको नाम, शब्द, भाषा अलग दिए जाने से इसका अर्थ अलग नहीं निकलता, विचारधारा वही रहती है। हमें खोज करनी पड़ेगी। हमारे कोई भी लोग हैं जो इतिहासकालीन, तो प्लीज़ इस पर रिसर्च करना शुरू करें, प्लीज़ इस पर सोचना भी शुरू करें, क्योंकि मुझे तो लगता है कि इतने डीप कल्चर जो है वो कल्चर यहाँ के इंडिजिनस पीपल से ही ज़रूर आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।